डैमेज हुआ है आपको, काफी पैसा सफाई से आपको मिल गया है। बटन ऊपर पे और बटन और बटन और बटन। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल अनफैक्ट यूवर फॉर। एंड आज के वीडियो है कुछ अलग से, अलग से मतलब कोडिंग ही है, लेकिन क्यों अलग से बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मुझे विंटर को बनाना चाहिए था, लेकिन अभी समर आते आते समर पे ही ये बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि काफी दिनों से मैंने विशलिस्ट पे रखा हुआ था, लेकिन क्या विशलिस्ट पे स्टॉक खत्म होते जा रहा था साइज जो, लेकिन अभी ये आके मिल गया तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। जैसे एच एन एम देखे वैसे ही दिया हुआ है, या फिर विंटर एच एन एम दिया हुआ है। हमेशा देता है अतला सफे पर ऊपर में देता है उसका प्रोडक्ट ऊपर, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है। तो जैसे डैमेज हुआ है आप देख सकते हैं, तो साइज भी पता पता चल गया है तो नहीं चलें। यहाँ पे सेल पे काफ़ी अच्छा प्राइस पे आ रहा है, आपको प्राइस भी मैं बता दूँगी, काफ़ी प्राइस अच्छा प्राइस पे आपको मिल गया है इसे। एन आप ले सकते हैं, अभी सेल चल रहा है इससे जल्दी आप ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो होगा फाइल तरीके से फाइल आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा काफ़ी खूबसूरत जैकेट है, आप देख सकते हैं। आप पूरा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा, वीडियो भी पूरा नहीं आ रहा है नहीं, सो काफ़ी बड़ा है। एंड आपको मैं इसे पहन के भी दिखा दूँगी, तब अच्छा से आप देख लेना। सो मेनली मीडियम साइज पे टैगिंग पे आते हैं, आपको यहाँ पे टैगिंग में बताओ, टैगिंग भी काफ़ी छोटा लगा इसके आगे। सो शुरुआत में आपको बता दूँ, सो यहाँ पे 100% रिसाइकल पॉलिएस्टर, 100% रिसाइकल पॉलिएस्टर समथिंग समथिंग बहुत सारा दिया हुआ है, जो कि कोई भी नहीं पता। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर रिप्लेन विंड प्रूफ, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं प्योर 100% जो कि क्लोथिंग मटेरियल 100% पॉलिएस्टर है इसके कारण। एंड जो MRP लिखा हुआ है यहाँ पे 5499, जो कि काफ़ी हाई प्राइस है, लेकिन इतना में जो आपको ऊपर प्राइस में लेना नहीं है, काफ़ी अभी ऑफ में चल रहा है सो मिंत्रा का में। सो आप इसे ले सकते हैं मिंत्रा का ऑफ प्राइस में, अभी आपको ये देखने को मिलेंगे 3100 समथिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना में मैंने नहीं लिया, इससे भी मैंने कम मिला है, जो कि मेरा प्राइस कूपन सफन जो मिंत्रा का कूपन लगाता है वो सब लगा के मेरे को फरा 2700 समथिंग समथिंग में मेरे को फरा। एंड उस प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी बहुत बहुत ही जबरदस्त डील है। एंड सो इसे करते हैं शायद, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा इसका लुक्स दिखा देती हूँ, मैं आपको इसे पहन के भी दिखा दूँगी, आप लास्ट तक बने रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर पे आते हैं, ये कुछ नूम नूम से टाइप में दिया हुआ है, क्या कहते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन इसे नूम नूम से कुछ दिया हुआ है, जो कि आप जो मतलब एनिमल्स एनिमल में देखते हैं ऐसे टाइप में दिया हुआ है कुछ लुक्स देने के लिए, काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी अच्छा लुक्स दिया हुआ है। एंड ऊपर पे है, यहाँ पे ऊपर पे आपको दिया होगा बटन, और टिकटॉक टिकटाइल वाला आपको बटन दिया रहेगा, आप देख सकते हैं बटन दो बटन दिया रहेगा। एंड यहाँ पे अंदर से आपको यहाँ पे रस्सी दिया होगा, जो कि टाइट करने के लिए नारा टाइप में टाइट करने के लिए दिया होगा, जो कि आपको ये जो केफ है ये टाइट करने के लिए दिया रहे। एंड केफ यहाँ से रिमूवेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केफ को आप रिमूव करके पहन सकते हैं, जो कि मैं आपको पहन के बाद में दिखा दूँगी। सो आप यहाँ से चैन है, आप रिमूव कर सकते हैं ये केफ को, मतलब अलग से निकाल के भी पहन सकते हैं, बिना केफ के भी आप पहन सकते हैं, ये केफ के ऊपर साथ पे ये दिया हुआ है, जो कि आपका फेस को ढक देगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे पे आते हैं, सो यहाँ पे बटन ऊपर पे और बटन और बटन और बटन, सो काफ़ी बटन है यार, काफ़ी सारे बटन है, जो कि जैकेट कम बटन जा रहा है ऐसे कुछ लग रहा है। सो टोटल बटन ये नीचे का 5 है, एंड 5 बटन और नॉट 5 बटन या 5 बटन, एंड इसको मिला के 2 दैट मीन 7 बटन ज़्यादा बटन। एंड ऊपर पे आपको चेन देखने को सिल्वर कलर का चेन देखने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड सिल्वर बटन जो चेन है, चेन के ऊपर में ये आपको दिया रहेगा, जो कि है काफ़ी मतलब चेन को ढक दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एंड चेन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेम क्वालिटी है। सो इसे करते हैं और फैन एंड अंदर का मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे आपको H&M की H&M के रनिंग देखने को मिल जाएंगे फ्यूर ब्लैक में, जो कि H&M व्हाइट पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको साइज देखने को, जो कि मेरा साइज मैंने लिया है मीडियम साइज में। एंड ये आपको हैंग करने के लिए मिल जाएंगे, जैसे हैंगर टाइप में देखने को मिल जाएंगे हैंग करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको दिया रहेगा विंड प्रूफ के लिए दिया रहेगा, वाटर रिप्लेन जो कि विंड इजिली नहीं आएंगे, अगर आप राइडर है ऐसे के लिए, या फिर आप एक्सट्रीम वेदर मतलब टन वेदर में जाते हैं, टन वेदर में आप रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड वाटर रिप्लेन इजिली वाटर नहीं आएंगे, देख सकते हैं वो जैसे मेटेरियल 100% पॉलिएस्टर मेटेरियल, तो ऑब्वियसली मिलेंगे। एंड ये फेरेट मेटेरियल है, काफ़ी खुला खुला सा एंड थोड़ा हैवी वेट है, आप देख सकते हैं थोड़ा वेट तो जा रहा है ये। एंड अगर आप देख सकते हैं ये लाइन लाइन जैसे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई स्टिचिंग दिया हुआ नहीं, मे बी अंडर पे दिया होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बाहर पे कोई स्टिचिंग दिया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी स्टिचिंग दिया हुआ नहीं, लेकिन जस्ट लाइन लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इतने में देखते थे यहाँ पे भी। इवन जो हाथ पे भी है, जो आर्म साइड पे ये भी आपको यहाँ पे हैंड साइड पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि पेरिंग दिया हुआ है काफ़ी अच्छा सुंदर सा। एंड ये जो बाहर का स्लीव है आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा स्लीव दिया हुआ है, इतना सारा मोटा सा स्लीव दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लंबा सा, काफ़ी लंबा एंड काफ़ी मोटा है स्लीव भी, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का स्लीव दिया हुआ है। अंदर फेस आप देख सकते हैं इसे देखने को मिल जाएंगे, एंड ये स्लीव के ऊपर ही आपको ऐसे आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है। एंड लुक्स के मामले में तो आउट ऑफ क्या ही बोलो, 10/10 दे दूँगी, तो ऐसा टाइप पे ही है, काफ़ी अच्छा है। बेसिकली ये जो प्राइसिंग दिया हुआ है, प्राइसिंग के कारण ये काफ़ी अच्छा और भी मुझे लगा, जो मैंने लिया 2700 समथिंग से। नहीं, यहाँ पे और एक बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि है यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाएंगे अंदर तरफ, ये बटन काफ़ी यूनिक है यार। बेसिकली ज़्यादातर बटन क्या होता है, इस तरफ ऐसे नीचे दिया हुआ था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, काफ़ी वर्टिकली ऐसे दिया रहता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है ये बटन जो है यहाँ पे। सो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे ही है। नीचे पे आपको, नीचे पे आते हैं तो अंदर पे नीचे पे आपको ये टाइट करने के लिए
नारे टाइप में दिया रहेगा, या फिर आपको ऐसे ही देखने को मिल रही है नारे टाइप में। एंड अंदर का आप देख सकते हैं ऐसे पॉलिस्टर मटेरियल में दिया रहेगा जो कि शाइनी है। एंड जो बाहर का है ये मैट फिनिशिंग में दिया हुआ है, एंड जो अंदर का है वो शाइनी है, बाहर का जो मैट फिनिशिंग में दिया हुआ है। एंड पीछे का बात करें तो पीछे भी आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी भरा है जाके मैं पूरा पीछे को पूल नहीं आ पा रहा है, आपको पेंट भी दिखा दूँगी, मैं पेंट बोल रहा हूँ पेंट दिखा दूँगी आपको देखिए। सो पीछे भी आपको जो कि साइज़ पे है ये भी आपको ऐसे शाइनी मेटेरियल में देखने को मिलेंगे, जो कि शाइनी पॉलिस्टर मेटेरियल में देखने को मिलेंगे। सो काफ़ी पैडेड अच्छा पैडेड किया हुआ जैकेट है जो कि आप ले सकते हैं, एंड जो आप गर्म सीजन में लेना चाहिए आपको ये, अगर आपको सस्ता प्राइस में मिलता है कम प्राइस में मिलता है तो गर्म सीजन में लेना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में ऑब्वियसली प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। सो आप देख सकते हैं ये चेन को ढकने के लिए दिया हुआ है, चेन अंडर पे है ऐसे, काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी अच्छा सोडा के। सो यही थे सोडा के बारे में, dance making it hurt.